अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आईके गेमिंग जी। तो आज हमारा राइज ऑफ टॉम राइडर का पार्ट 11 है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि आज क्या देखने को मिलेगा। ये तो पानी है गुफा में, पता नहीं अब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं भाइयों, और कहाँ रास्ता है, रास्ता कहाँ पर है। चलो अब टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर हम आराम से भी स्विम करें ना तो कोई मसला नहीं होगा। अब अच्छा, तो यहाँ तक तो आ गए, हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख़्याल से यहाँ पर जाएंगे, लोग तो बहुत होंगे अभी क्योंकि गेम बस एंड तक आ चुका है। तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके फिर शेडो पे टॉम राइडर स्टार्ट करेंगे। और भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। अच्छा, पानी से तो निकल के आ गए बाहर। डब्बे डब्बे में क्या था, चलो जो कुछ भी था मिल गया, क्योंकि गोलियां वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है तो इसलिए जमा तो करने पड़ेंगे। क्या हो गया, बंदे मर गए क्या, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। किससे बात कर रही हो, जोसेफ से आपने, डैडी से? वो सोफिया पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक तो आई नहीं, शायद आगे आ जाए। अब बस करो बातें ख़त्म भी करो ताकि जल्दी से आगे बढ़ जाए। बस बस कॉल कट कर लो, बस करो यार। चलो शुक्र है कॉल कट हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। चलो शुक्र है कोई जंगल वंगल तो नज़र आ गया। अच्छा वहाँ पे जाना है। चलो ये लड़के लकड़ी को भी तोड़ लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ जमा हो जाए, तीर बनाने के काम आएंगे ना। अच्छा पीछे की तरफ जाते हैं। ये कौन है, ये भी है अपना बंदा है जो भी है। अच्छा ये सब कुछ तो क्लियर हो गया। चलो नीचे की तरफ जाते हैं कि नीचे क्या होता है फिर। एक ऊपर जगह एक नीचे, चलो इस तरफ जाते हैं पहले कि यहाँ पर क्या मिलता है। क्योंकि दो रास्ते थे ना, एक नीचे की तरफ जा रहा था एक ऊपर की तरफ आ रहा था, तो पहले यहाँ आके ना देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अगर ये रास्ता बंद हो गया ना तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, फ़िलहाल तो रास्ता खुला है तो इसलिए यहाँ पर जाते हैं। हाँ सही है रास्ता, ये वाला रास्ता सही है। अगर वहाँ पर जाते तो शायद कुछ ना कुछ नहीं होता, कुछ बात नहीं बनती, यहाँ पर कुछ बात बन जाएगी। अब पानी में जाना है, पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा ना हो कि बह जाए हम पानी में। मशरूम वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर लो, इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं था, अच्छा मैप अपडेट हो गई। ये वाला रास्ता तो बंद है। ओ डैडी डैडी आ गए, चलो कुछ तो अच्छा हुआ कि लारा खुश हो गई, अपने बाप के साथ मिल गई। इसका बाप का भी पता नहीं चल रहा था ना कि कहाँ पर था कहाँ पर नहीं था, तो चलो अच्छा हुआ कि एक दूसरे से मिला। ओ सोफिया भी आ गई, लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है, सब इकट्ठे हो रहे, कोई
कुछ प्लेन मैन कर रहे हैं मेरे ख्याल से, या ऊपर जाना है ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो खुद ही आ गई ऊपर। अब ये कौन है? ये नहीं, ये तो लारा है। ये अच्छा, ये जोसेफ है। चलो जोसेफ की साहब भी मिल गए। ओ ये तो उसने उठा लिया। चलो ये तो खुश हो गया। ये तो इसके पीछे पता नहीं कौन कौन लोग इसके पीछे पड़े, इस चीज़ के पीछे पता नहीं इस चीज़ में क्या होगा, मगर सब लोग इसके पीछे ही पड़े हैं। शायद कुछ पावर वगैरह होगी या कुछ और होगा। खैर अभी पता चल जाएगा कि क्या होगा। इसमें तो रख लिया, अब किस चीज़ का इंतज़ार होगा? लगता है सूरज का इंतज़ार होगा, या अच्छा इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ऐसा ना कोई धमाका वमाका हो जाए। ये तो उसने लाइट स्टार्ट कर ली। अच्छा ये मैप है, मैप कोई मैप की तरह कोई चीज़ है, पता नहीं क्या है। इनक्रेडिबल, शायद किसी चीज़ का मैप वगैरह है। चलो देखते थे। अबे बस करो, वीडियो बहुत हो गई, बस करो गेम स्टार्ट कर लो। क्या हो गया? ये कौन सा बिल्डिंग है? ये जानती है मेरे ख्याल से इस जगह को। कीप रोटेटेड, इसको रोटेट कर रहे हैं। स्टॉप, अब क्या नज़र आ गया इसको? लगता है इसको पूरा नक्शा समझ में आ गया कि हम कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। जो सब परेशान है, जो सब कह रहा है दिल में, यार इसको तो सब कुछ पता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसको इसलिए पता है ना कि ये इंटेलिजेंट है, और जो सब जो है ना वो इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए इसको कुछ भी पता नहीं होता। अब क्या करेंगे? बस करो, बस करो भाई, ख़त्म भी करो वीडियो। ओए ओए ये क्या हो गया? ओए मैंने ओए होए धमाका वमाका हो गया सब कुछ। ओए शिट यार, शिट शिट। अच्छा ये लोग आ गए, मैंने सोचा ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हो, ये लोग ना आए तो चलो। ये मेरे ख्याल से मरेगा, ये तो नहीं मरेगी, मगर ये मरेगा मेरे ख्याल से। चलो बच गए, बच गए। मेरे ख्याल से इसका बाप जो है ना इसको मारेंगे, या अपने साथ लेके जाएंगे या मारेंगे इसको। चलो ये तो गया, अब इसके पीछे जाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। पिताजी क्यों आए हो यहाँ पे? इन लोगों को कैसे पता चला हम यहाँ पर हैं? शायद किसी ने बताया होगा इसलिए आ गए। और जोसेफ भी आराम से पढ़ा है। आराम से क्या मतलब, मार पड़ी है इसको, गोली वोली तो नहीं लगी ना, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। नहीं अभी तक तो जिंदा है। भाइयों मैंने कहा था ना कि कुछ ख़तरनाक वाला होने वाला है, तो बस ख़तरनाक तो हो गया। इसका बाप तो चला गया उन लोगों के पास, जो सब तो जख्मी हो गया। अब अकेले जाना पड़ेगा पिताजी को बचाने। ये लोग अब आ गए, कहानी ख़त्म हो गई, ये लोग अब आ गए। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ पहाड़, पहाड़ ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, मगर पहाड़ों से क्या करना है? अब तो गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अब ख़ुद को भी बचाना है, बाप को भी बचाना है, उन लोगों को मारना भी है। वो लीडर पता नहीं, लीडर तो नहीं आया था, अपने चमचू को ना भिजवाया था,
कि इन लोग को उठा ले और लारा को मार दो। चलो लारा तो बच गई, मगर बाप का काम ख़राब हो गया, उसको तो लेके गया ना। अब वहाँ पर जाना है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो भाइयों, अब देख तू कि क्या करते हैं हम। ट्रक में जाएंगे, ट्रक तो ख़राब है, ऐसे ही पैदल जाएंगे। अब यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर कोई दरवाज़ा है या नहीं है? नहीं, इधर से तो कुछ नहीं बनी, इतना जम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जम लगाएंगे तो नीचे ही जाएंगे। तो इससे अच्छा है कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर क्या है डब्बे में, डब्बे को भी चेक कर लेते हैं, कोई अच्छी सी चीज़ मिल जाए। और पहले इसको उठा लेते हैं कि क्या है, क्या मिल गया? अच्छा, स्किन मिल गया। चलो अब इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है हमें। क्या मिला? कोई तीर वगैरह मिल गई, बोर्ड, क्लाइंबिंग एरोस। अच्छा, ये क्लाइंबिंग के लिए एरोस मिल गए। अच्छा, तो कैसे जाएंगे अब ऊपर, क्लाइंब कैसे करेंगे? चलो ये तो लग गया निशाना, अब जंप लगा के अब कहाँ पर जाना है? चलो सही है, ऊपर गए। अब ये क्या चीज़ है, शीशा है, पता नहीं क्या है। चलो अब इधर से ऊपर जंप लगाएंगे। चलो ये रास्ता तो मिल गया यहाँ तक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओए लीडर, कहाँ पर मर गए हो? हम आ रहे हैं अपने बाप को बचाने, खुद को बचाओ हमसे, तू तो गया। इस बार अगर भागा नहीं ना तो मर गया, अगर भागा तो फिर भी हम तुम्हारे पीछे ही आएंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना तुमको, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ख्वार किया है, हमें बहुत टेंशन दी है हमें। अब हाँ सही है, अब ऊपर जाओ, ऊपर 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 ऊपर। चलो ऊपर तो आ गए, अब इधर से जाते हैं कि इधर क्या होता है, क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। साइड में अब नीचे आ जाए या ऊपर जाए, दो तीन रास्ते हैं यार, कंफ्यूज कर दिया। चलो पहले इस तरफ जाते हैं कि इस तरफ क्या होता है। यहाँ पर तो आग लगी, चलो कुछ देखते हैं कि अपडेट वगैरह आई है कि नहीं है, स्किल्स वगैरह, वेपन वगैरह कुछ चेक कर लेते हैं। वेपन में कुछ अपग्रेड वगैरह आया हुआ है या नहीं? हाँ एक तो आया हुआ है, चलो ये तो हो गया। अब और कुछ है या नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओए होए, ये अच्छी चीज़ है यार, चेंज हो गया ना। इसमें कुछ है या नहीं है? नहीं, इसमें भी हाँ, एक दो तीन तो हो गया। इसमें कुछ है, सर्वाइवर में कुछ भी नहीं है। चलो ख़त्म हो गया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो ऊपर जाते हैं, ऊपर एक दो तीन एरो, और अब ऊपर की तरफ। ये मुश्किल नहीं है, मगर थोड़ा ट्रिक चाहिए ना कि कहाँ कहाँ पर तीर लगवाने हैं। बाकी इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना गेम कर लिया तो कोई मुश्किल नहीं है। अब प्रैक्टिस वगैरह तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। अब इस तरफ जाते हैं कि इस डब्बे में कुछ मिलता है कुछ ख़ास? क्या ख़ास मिली? अच्छा, वो तीर वगैरह मिल गए। क्या
क्या है तुम्हारे पास? ये कौन मरा था? मरा था या जानवर तो पता नहीं क्या था। चलो इसमें जाते हैं कि इसमें क्या होगा। और बर्फ़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि वो बियर वगैरह फिर से आ जाए। बियर या शेर वगैरह, यहाँ पर तो शेर भी है, कुत्ते भी है, बियर भी है, सब कुछ है, वो जंगली भी है। चलो ओए मैं समझा कुछ आ गया, तो हवा थी। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड तो ऐसे ही ज़्यादा होगी ना क्योंकि हर जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये पूरी गेम ना बर्फ़ में ही बनी है। अब ये क्या है? आई एम सॉरी, सॉरी फॉर व्हाट? लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट, अच्छा इसका कोई दादा वादा होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ सही है, ये इसकी बहन है मेरे ख्याल से, वो जो जिसने धोखा दिया था इसको, वो जो लीडर के साथ है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ख़ुद को तैयार भी कर लो क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। चलो आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जंप लगाओ, जंप लगाओ। ओए 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 मैं समझा नीचे गिर गया। अब ऊपर जाते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जंप 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 जंप। इसमें जंप वगैरह बहुत ज़्यादा है और ऊपर की तरफ जाना भी बहुत ज़्यादा है। तीर्थ वगैरह तो बहुत सारे इकट्ठे किए। अब चलो जंप लगाते हैं इधर, फिर इधर से सामने की तरफ। चलो यहाँ तक तो आ गए। गुफा में ऐसा ना हो कि यहाँ पर अटक जाओ। यहाँ पर तो कोई तो आ जाओ यार, कोई तो आ जाओ। बहुत टाइम हो गया, किसी को देखा भी नहीं है ना किसी को मारा है, सिर्फ जंप ही जंप लगा रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो और कुछ भी नहीं आ रहा। कोई शिकार के लिए कुछ हिरन मिरन आ जाए या बियर वगैरह आ जाए, कुछ तो आ जाए। अच्छा यहाँ पर सिर्फ कुछ भी नहीं है अभी। और ये तो इसने उठा लिया ना, इसने जो मेरे ख्याल से उसने लगा दिया। अब इसको भी पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। चलो कोई मसला नहीं है, अब इससे दोबारा ले लेंगे। हाँ तो भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलिए। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हम लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Once the source is mine, it won't matter what they want. I will lead God's immortal army, and you.